हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदर्स कॉर्नर। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ज़्यादा यूजफुल एंड बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो, जो कि हम सब वुमेंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। गाइस, आपने देखा होगा कि बेबी होने के बाद में कुछ वुमेंस की जो ब्रेस्ट है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, तो हम इसे अपनी शेप में कैसे लेके आएँ, कैसे अपना ब्रेस्ट साइज जो है उसे रिड्यूस करें, तो उसके लिए मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कुछ एक्सरसाइज। और देखिए, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा और कुछ करनी होगी एक्सरसाइज। तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। गाइस, जब भी आप अपने लिए ब्रा का चूज़ करते हैं, ब्रा सेलेक्ट करते हैं, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आपको अपनी परफेक्ट शेप में ही ब्रा को लेना है। कुछ लोगों का मैंने देखा है कि वो या तो अपने साइज से बहुत ज़्यादा छोटी ले लेते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा बड़ी ले लेते हैं, उन्हें अपना परफेक्ट साइज़ नहीं पता होता है। तो गाइस, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपनी ब्रा का परफेक्ट साइज़ नहीं पता है तो उसके लिए आपको क्या करना है। गाइस, आप इंच टेप से पहले अपना जो है नाप ले लीजिएगा, उसके बाद में फिर आप वहाँ से शॉप कर सकते हैं, जहाँ से भी आप लेना चाहते हैं। तो उससे हमें एकदम फिक्स पता चल जाता है कि एग्जैक्टली हमारा ब्रा साइज़ यानी कि ब्रेस्ट साइज़ क्या है। तो ये तो हुई कुछ बात कि हमें जब ब्रा लेनी है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कैसे किस तरीके से हम परफेक्ट साइज़ चूज़ कर सकते हैं अपने लिए, और कुछ मैं आपके साथ में शेयर करूँगी एक्सरसाइज, जिससे कि अगर आपकी ब्रेस्ट जो है बेबी होने के बाद में या फिर ऐसे ही बहुत ज़्यादा हैवी है तो हम उसे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कैसे शेप में ला सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक दुपट्टे की हेल्प से बताऊँगी कि किस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। तो चलिए हम वो देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें एक्सरसाइज करनी है, और आपको इसे डेली करना है, और आपको इसे 10 दिन में पता चल जाएगा कि ये जो एक्सरसाइज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है और आप इसे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इस वीडियो को देख के कोई फ़ायदा होता है, आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो प्लीज़ मेरे को कॉमेंट करना ना भूले। सो चलिए देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज को कैसे करना है। सो गाइस, इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें सबसे पहले लेना होगा एक कॉटन का दुपट्टा, कॉटन का या फिर जैसा भी आपके पास कोई दुपट्टा है, हमें वो दुपट्टा ले लेना है। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ये दुपट्टा, और अगर आपका दुपट्टा बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप उसे डबल फोल्ड कर लीजिएगा, जितना कि आपके हाथ में इस तरीके से एकदम से फिट हो जाए, बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो और बहुत ज़्यादा ऐसे करके छोटा ना हो, हमारे हाथ एकदम खुले हुए हों इस तरीके से। तो अब हमें एक्सरसाइज कैसे करनी है, दुपट्टे को हमें ले लेना है दोनों हाथों में, कॉर्नर से पकड़ लेना है दोनों साइड में, और इस तरीके से एकदम पीछे तक हमें ऐसे लेके जाना होता है, देन वापस लेके आना होता है, पीछे लेके जाना होता है, वापस लेके आना होता है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे जो हाथ हैं, ये जो कोनियाँ हैं, ये इस तरीके से जैसे हम वापस लेके जा रहे हैं तो यूँ नहीं होनी चाहिए, एकदम से सीधी होनी चाहिए, इस तरीके से हमें करना है। और एक बार इधर करके हमें सेम यही प्रोसीजर इधर की साइड करना है, और हमें इस एक्सरसाइज को कम से कम स्टार्टिंग में अगर आप कर रहे हैं तो 10 मिनट से स्टार्ट करिएगा, 10 से 15 मिनट तक आप इसे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। और सो गाइस, इस तरीके से आप अपने ब्रेस्ट साइज़ को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी परफेक्ट शेप में लेके आ सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।